कुमाऊं के एकमात्र महिला महाविद्यालय की छात्राओं ने विश्वविद्यालय पर अनदेखी का आरोप जैसे गंभीर आरोप लगाए हैं। छात्रों का कहना है कि नई शिक्षा नीति के तहत पांचवें सेमेस्टर के छात्र को तभी प्रमोट किया जाएगा जब उसका पहला और दूसरा सेमेस्टर का रिजल्ट क्लियर हो जाएगा। उनका आरोप है कि जिन बच्चों के विषय सही हैं उनके रिजल्ट गलत आ रहे हैं और जिन बच्चों के परिणाम सही हैं उनके विषय गलत दिखाए जा रहे हैं, जिससे बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। उनका एक साल वही महिला महाविद्यालय की प्राचार्य ने कहा कि बच्चों को नई शिक्षा नीति के नियमों की जानकारी नहीं है, जिससे छात्राओं को परेशानी हो रही है और वे इस साल नियमों में ढील देने की गुहार लगा रही है। हल्द्वानी से दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। मामला इनके प्रमोशन को लेकर के है, अगले नेक्स्ट सेमेस्टर में प्रमोटेड जो मामला है, जिसमें कि बच्चे बहुत से हमारे फिफ्थ सेमेस्टर के लिए एलिजिबल नहीं माने हैं यूनिवर्सिटी ने, उनके मार्कशीट में लिखा है कि नॉट प्रमोटेड। तो ये बच्चों को अभी तक इतनी पूरी जानकारी नहीं थी कि क्रेडिट में किस तरीके से इनको यूनिवर्सिटी नंबर देगी और फर्स्ट सेमेस्टर या सेकेंड सेमेस्टर में कहीं पर इनका बैक हो जाएगा, और वो बैक अगर ये क्लियर नहीं कर पाते हैं तो इनको थर्ड और फोर्थ सेमेस्टर पास होने के बाद भी फिफ्थ सेमेस्टर में एडमिशन नहीं मिलेगा। लिखा आ रहा है कि आप नॉट प्रमोटेड, तो उस समय प्रॉब्लम हो रही है कि इनका पूरा एक साल बैक जा रहा है। अगर ये साल प्रमोट नहीं होते हैं फिफ्थ सेमेस्टर में तो इनको फिर से अगले साल फर्स्ट या सेकेंड सेमेस्टर जो इन्होंने क्लियर नहीं किया है सिस्टम में नुकसान हो रहा है। तो ऐसा है ना, बच्चे तो बहुत जाते हैं, 50% के लगभग बच्चे तो हमारे कॉलेज में जो प्रमोट नहीं हो पाए हैं, और हम तो कोई एक्शन नहीं ले सकते हैं क्योंकि वो NEP में नियम था और उसी नियम के तहत कुमाऊं यूनिवर्सिटी ने एग्जाम कराए और उसी नियमों के तहत उसने बच्चों को पास या फेल किया हुआ है।